Hey everyone, hoping you guys are doing absolutely great. So guys, भाई हम यहाँ पे खेल रहे हैं आपका राउंडेड और भाई एक जगह पे हम बहुत अटक गए हैं. तो बेसिकली अभी तो हो गई है रात और वहाँ पे नीचे भी है एक जगह जहाँ से हमें सामान मिल सकता है. पहले तो यार मेरे को लगता है एक शेल्टर बना लिया जाए. यहाँ पे वैसे शेल्टर हमारा ऊपर ही है, उसको पोर्ट करके यहाँ नीचे ना ले आऊँ ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से. तो यहीं मरो, यहीं के यहीं वो कर लो. ये रहा, ओके सेट. रिस्पॉन पॉइंट यहीं कर लेते हैं और सो जाते हैं भाई, क्योंकि अभी सोना पड़ेगा. अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है. ओ भाई ये बड़ा वाला ये भी आ गया भाई. सो स्पीयर हमने ले लिया है, खाने के लिए अभी अपने पास है तो हम ये खा सकते हैं. सो गिल ट्यूब है अपने पास, ठीक है, ये गिल ट्यूब है अपने पास. बट गिल ट्यूब का प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम नीचे तक पहुंचते हैं तब तक आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो ख़त्म हो चुका होता है. एंड भाई वो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि तेरी माँ की क्या हो रहा है भाई. यहाँ पे मुझे पानी की बूंद दिखी थी. सो पानी मिल गया, सब कुछ मिल गया. बेसिकली व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि हमें यहाँ पे एक क्राफ्ट मेन्यू के अंदर मैं दिखा देता हूँ. ये एक आर्मर है बबल हेलमेट कर गया, ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है. बट ये जो संकन बोन है ना भाई, ये हमें चाहिए 5. तो दो हम जने हैं, सपोज दो हमें संकन बोन मिनिमम चाहिए होंगी. तो संकन बोन जो मेरे को पता चला है वो है यहाँ पे नीचे. तो चलते हैं एक बारी नीचे. कह रहे हैं बिल्कुल जब आप उसके तले में पहुंच जाएंगे तो आपको पड़ी भी मिलेगी संकन ते बोन. अब देख रहे हो ऊपर 49 सेकंड्स तक रह गए हैं. यहाँ पे कहीं पे मिल सकता है क्या संकन बोन? पतली सी एक स्पाइक टाइप का है और कुछ भी नहीं है, बट वही है उसको ढूंढना इज द मेन क्वेश्चन हियर, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है. और भाई यहाँ पे ये वाले स्पाइडर बड़े खतरनाक है. वैसे मेरे को जिसका मैंने वीडियो देखा था उसमें वहाँ का आ रहा था, बट अभी पहले सांस के लिए ऊपर जाना पड़ेगा बिकॉज 30 सेकेंड्स रह गए भाई. ऊपर पहुँचते 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 तक बैंड बच जाएगी. ओके चलो सांस पूरी कर ले भाई, 80 हो गया. यहाँ नीचे एक वो भी पड़ा हुआ था यार, कहाँ गया ये रही. ये भी ले लेना चाहिए, सही रहता है. ये इधर भी पड़ा है, यहाँ लेके इसको फिर हम ऊपर सांस ले लेते हैं एक बारी, फिर चलते हैं नीचे. हो गया, लेट्स गो. इससे बबल ले लेंगे तो सांस मिल जाएगी. ओके नाइस भाई. डायनासोर जो था उसके साथ साथ में ही कहीं पे पड़ा हुआ था. यहाँ पे कहीं पे ईल ग्रास है भाई. यहाँ तो ये क्या अरे इसके लिए शावल चाहिए भाई. फाक यहाँ अंदर जाना है भाई हमने. सो एक बोन दिखी. बट द प्रॉब्लम है इसकी शावल चाहिए. अब पहले शावल जाके बनाना पड़ेगा. 15 सेकेंड. ओके सो शवल्स चाहिए हमें अब.
ओके, शवल 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 हमारे पास वहाँ पे पड़ा है क्या शवल? एक बारी जाके पेटियों में चेक करना पड़ेगा ब्रो। बे भाई बुरा ही हाल है। घर चलते हैं, घर चल के देखते हैं भाई क्या अपने पास शवल्स पड़े हैं। अरे यहाँ पे भी मोलर पड़ा यार। ओ भाई हथौड़ी भी चाहिए। डंडेलियन लगा है? नहीं लगा भाई, जंप नहीं मार सकते, डंडेलियन नहीं है अपने पास। भाई एक फैसिलिटी तो अपनी यहाँ पे है ठीक है, या जहाँ ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे भी बहुत कंस्ट्रक्शन का काम बचा हुआ है। नीचे से ज़मीन से करते हुए यहाँ तक आए हैं और यहाँ पे हमने काफ़ी सही सी जो अपनी फैसिलिटी है उसको बना रखा है। यहाँ पे आर्मर 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 इनसे एक हैमर पड़ा हुआ है जो कि चलो मेरे को पता चल गया मैं वहाँ से कर सकता हूँ। और ये है एक्रॉन शावल, तो ये अंडरग्राउंड का अंडर वाटर काम करता है क्या? इस द कोसान डिगिंग ये वाली लाइट बनानी है भाई, ये वाली लाइट बहुत सही है, बहुत सही है ये, तो ये काम हो सकता है। अब इससे देखते हैं ये वाला डिक करता है कि नहीं करता। ब्लैक कैंट चावल तो अपने पास है ही नहीं ना, कोई ऑप्शन ही नहीं है। चेक कर लेते हैं और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे पानी पड़ा भाई। Hydration is the key to performance. अभी दिक्कत ये है कि अपने पास डंडेलियन नहीं है। डंडेलियन होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है डंडेलियन होना। वाइट वाइट कलर के फैदर होते हैं जो कि आप इस्तेमाल में ले सकते हो आसानी से, और बहुत सही काम करता है भाई वो। मेरे को लगता है एक बारी में मैं एक ही वो ले पाऊंगा, उससे ज़्यादा मैं ले नहीं पाऊंगा। और एक हेलमेट बनाने के लिए एटलीस्ट वी नीड 5, तो एटलीस्ट एक हेलमेट अगर मेरा बन जाता है तो उसके बाद थोड़ा लंबे टाइम के लिए हम नीचे जा सकते हैं। और अगर लंबे टाइम के लिए नीचे जाएंगे तो फिर अपना काम कुछ हो सकता है बढ़िया तरीके से। हाँ भूख भूख तो कुछ आती नहीं है। ओके, शवल को हम डाल देते हैं यहाँ पे राइट। फिन्स पहन लेते हैं ताकि थोड़ा सा जल्दी तैर सके हम। यार मेरे पास एक लाइट भी थी, लाइट वाला हेलमेट ले लेना चाहिए था, थोड़ा बेटर रहता। सिक्सटी सेकेंड है ना, एक बारी पहले बबल की वेट कर लेते हैं। हम बार बार आके सांस यहाँ से भी ले सकते हैं वैसे तो। लो भाई साहब पीछे वो पड़ गए, अब मरा लो, इसी की कमी रह गई थी। ये है सांस ले लेते हैं। अबे भाई साहब जा ऊपर जा भाई।
ये ढूंढना पड़ेगा भाई इसको, तगड़ा तरीके से ढूंढना पड़ेगा, वरना कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा अट्ठाईस सेकेंड, मिल गया। अच्छा क्ले नहीं चाहिए, क्ले नहीं चाहिए, क्ले नहीं चाहिए। ये क्या है? स्केल, ओके। भाई ये एक एक चीज ढूंढने के लिए जो इतना घूमना पड़ता है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। 80 सेकेंड्स अगेन। लाइट होती तो मोस्ट प्रोबली कुछ हद तक चीज़ें दिख सकती थी, बट मैं लाइट लेके नहीं आया, यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा भाई। ईएल ग्रास 40 सेकेंड, थोड़ा आगे जाते हैं अब इस बार। आई सीरियसली नीड अ लाइट मैन, लाइट की बहुत ज़रूरत है। अगर लाइट हो तो मोस्ट प्रोबली चीज़ें दिख सकती हैं, बट अभी तो यहाँ पे देखना मुश्किल हो रहा है। लाइट लेकर आए, लाइट लेकर आते हैं भाई। मेरे को लग नहीं रहा ऐसा सार कि ऐसे में इतने अंधेरे में मिलने वाला है। लाइट चाहिए चाहिए, पहले यहाँ से बबल ले लेते हैं ताकि अपने को थोड़ा ऑक्सीजन मिल जाए और हम आसानी से ऊपर पहुँच जाए। भाई माँ कसम, जम मारनी थी मारी नहीं। ओके सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि नीचे कैसे जाना है और कैसे क्या चीज़ें चाहिए भाई। एंड अभी इसको ढूंढते हैं और जब मिल जाता है तो फिर आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे बनता है। सो फाइनली अपने पास जो मटेरियल है वो हो गए हैं सारे के सारे जो कि चाहिए भाई। 6 संकन बोन चाहिए एंड ईल ग्रास स्टैंड चाहिए 4 और सिल्क रोप चाहिए 4। सो मतलब अभी हमें दूसरा बनाने के लिए सिल्क रोप मतलब भाई जाले और तोड़ने पड़ेंगे। संकन बोन अभी अपने को 4 और चाहिए भाई। अब ढूंढनी पड़ेगी कि क्या सीन होता है इसका, क्योंकि अभी तो मेरे पास सही में बहुत कम टाइम लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पास टाइम ही नहीं हो रहा कुछ। सो एक बार इसको क्राफ्ट कर लेते हैं। अब एक अवेलेबल ये है और ये तो अवेलेबल ही नहीं है भाई, बुरा ही हाल है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ अपने को अवेलेबल हो रखा है, ओके यहाँ पे भी एक अवेलेबल है। ये भी एक रह गया भाई वरना। ओके सो कितने बज गए, सो जाते हैं, सुबह उठ के देखते हैं कि भाई कितना डिफरेंस आ रहा है पानी में जाके। मोस्टली काम हमने करने में ऐसे ऊपर ही होते हैं तो ऊपर ही रखते हैं मेरे हिसाब से, तो बेड को ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। खाने के लिए अपने पास है क्या कुछ? सब कच्चा है, कच्चा है, कच्चा है। मेरे को इस कच्चे की भी ज़रूरत थी भाई।
देखना चाहता हूँ मैं कि कच्चा किस काम आता है, क्योंकि अभी मैं देख रहा था तो कुछ हद तक चीज़ें थी जो काम आ सकती थी। किस में काम आ रही थी ये? ओके, ये वाली शील्ड बनाने में हमें 4 ये चाहिए थे, वी विल 2 ये, 7 ये, 4 ये। रॉ वी विल मीट, रॉ वी विल मीट है तो सही अपने पास, बट इससे बेटर तो हम वैसे ही प्रोटेक्ट कर लेते हैं यार, ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन नहीं है वो। खाने को ही लगा दूँ वहाँ पे, उस तरफ लगा देते हैं। एंड एक बार ही देखें भाई क्या डिफरेंस आ रहा है पानी में। क्या हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ सिस्टम इसको अपग्रेड करने का ऑप्शन आ रहा हो? एक्शंस नहीं, ड्रॉप रिपेयर तो है ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं है ना, उसका है ना उसका है, तो टाइम तो इंक्रीज नहीं हो सकता। दैट मीन्स सिंपल सी बात है, अगर टाइम इंक्रीज नहीं हो सकता तो मतलब फिक्स्ड रहेगा। रिपेयर कर सकते हैं हम बस उसको। बट 80 सेकेंड्स, और दूसरा कितना रहता है? मेरे हिसाब से ये ऑलमोस्ट 200 सेकेंड्स तक रहना चाहिए। 200 सेकेंड्स इज़ अ डिसेंट नंबर अगर हम वैसे देखें तो। बट ये कि सही तरीके से काम करना चाहिए भाई, ऐसे करके ऊपर ऊपर करके बनानी पड़ रही है भाई देखो, ताकि वहाँ से वापस आया जा सके और यहाँ से जाया जा सके। Really good. इसे आगे तो कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक भी मिल जाएगी, जूस वगैरह। डंडेलियन कभी भी जम मारो ना भाई, ऊपर से कूद के जम मत मारो, मतलब खोल दो बाद में ही खोलो, हमेशा फायदा रहता है उसका। वो डंडेलियन काफी लंबा चलता है, वरना भाई बैंड बच जाती है। यहाँ पे भी जूस के इसके अंदर पड़ा होगा कुछ ना कुछ। इट्स रिफ्रेशिंग, या रिफ्रेशिंग। ये लो एक जूस और गिर गया भाई, ये एक बारी में मरेगा? दो में मरा भाई, एक बारी में तो नहीं मरा बट हाँ दो में मरा। ओके सो अब बारी आ जाती है अपनी उसकी, कि भाई कितना ले रहा है। अबे खाना लगाना था भाई, खाना नहीं लगाया। इनका भी टाइम पीरियड है, थोड़े टाइम तक तो चली जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। सो दिस वॉज 80 सेकेंड्स, और अपना दूसरा वाला जो है उसको लगा लेते हैं, देखते हैं इसकी कितनी देर मिलता है हमें। 160 सेकेंड्स, ओके मतलब ऑलमोस्ट डबल द टाइम अपने को मिल रहा है। सो दैट मीन्स ये हो गया, अगर हम यहाँ से ले के उसको आगे जाएंगे तो काफ़ी हद तक अपना वो हो सकता है रिकवर। 130 है, 160 हो गया ना, देखा 160 सेकेंड्स इज इनफ टाइम। यहाँ एक बार ही चेक कर लेते हैं यार, मैंने इधर चेक नहीं करा कुछ भी। यहाँ किसी तरीके से अपने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। मेरी टॉर्च भी ख़त्म होने वाली है भाई। वो सर वाला टोपो होना बहुत ज़रूरी है भाई, जो लाइट वो वाली रहती है ना वो बहुत सही रहती है। यहाँ से पहले ले लेते हैं फिर आगे। ओबे भाई Thank you.
इसने भी यहीं आना था भाई। लड़ाई करके देखूं क्या? वैसे कुछ फायदा होगा नहीं इससे लड़ाई करके। ओ रॉटन स्टिंगर स्पीयर भाई, एक स्टिंगर स्पीयर भी मिल गया, नाइस। चलो आगे ढूंढते हैं भाई, और आगे ढूंढ के देखते हैं क्या मिलता है हमें।